स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज अपन आज के ओल्ड बेस्ट में और आज गेम प्ले में ऐसे ऐसे सीन होने वाले हैं ना भाई कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई जीतने कौन वाला है। तुम्हें लगेगा भाई ये बंदा कर क्या रहा है, कभी ये बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, कभी कभी ये मतलब कुछ ही कर दे रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम ना फाइनल रिजल्ट देखने से पहले प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि मरा या फिर नहीं, क्योंकि मैं हर बार ऐसा लगेगा कि मरने वाला हूं लेकिन तभी के तभी बच जाता हूं। अब मुझे पता है कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन वो तुम्हें एंड में ही पता चलेगा। फिलहाल मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ गया, काफी शांति हो रखी थी यहाँ पे, लेकिन अचानक से मुझे शांताराम दिखता है। और मेरे भाई शांताराम को मैंने इतना ज्यादा डैमेज दिया, पता नहीं बच कैसे गया। इतनी टोम्बी की 10 गोली मार दी, उसके बाद भाई शॉटगन से भी हेड लग गया। इतनी दूर से भले ही लगाओ लेकिन मर जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हो सकता है अलग टीममेट। और ये देखो भाई अभी ये निकल चुका है, अभी निकल चुका है। मेरे मतलब अंदर इतने कीड़े दौड़ रहे थे कि भाई इसको नॉक कर दे कुछ भी करके, लेकिन मैं नहीं कर सकता भाई, हेलमेट नहीं है, आसपास काफी बंदे हैं, तो मैंने खुद को संभाला यहाँ पे, कीड़ों की रफ्तार को थोड़ा कम करा। फिलहाल इस तरफ भी एक बंदा है, इसमें फोकस करते हैं। वो 2-3 गोली लगती है इस बंदे के, लेकिन मैं वापस इसी तरफ आ चुका था टीपीपी लेने के लिए कि भाई ये बंदे मुझे कहीं ना कहीं दिख जाए, कहीं तो दिखे। अब ये बंदे को सामने के टीपीपी ले रहे थे तो मैंने स्मोक फेंक दिया कि हाँ जिससे हम इजीली पहुंच जाएंगे, क्योंकि सीधा ओपन में जाएंगे तो भाई वहां से पड़ेगी यहां से पड़ेगी। और वैसे स्मोक मेरे कुछ काम आने वाले थे नहीं, लेकिन चलो भाई यू नो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी तो मैं आता तो हूँ इस तरफ। पर भाई उन बंदों का यहाँ पे नामो निशान भी नहीं है जिनको मैंने यहाँ पे डैमेज दिया था ना, वो भाई निकल लिए। फिलहाल इसी को देखते जो कि इस वाली बिल्डिंग में था, नेड़ फेंका मैंने। दिक्कत ये है कि ऊपर एक बंदा था तो उसको डैमेज जाना चाहिए था नेड़ से, कभी ये तो भी भाग तो नहीं गया उन बंदों की तरह। नहीं 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 बिल्कुल नहीं भागा है। फिलहाल देखो मैंने उसको इतना डैमेज दिया लेकिन शायद डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ, ये मुझे एक ही बंदा लग रहा था। पर देखो पर मेरे भाई ये दो होते हैं, दूसरा बंदा तो भाई एक तरह से खुल्लम खुल्ला कैंप कर रहा था, मतलब उसे कैंप करना भी नहीं कह सकते और कह भी सकते हैं क्योंकि भाई सब फुटस्टेप्स ही नहीं दे रहे थे, कतई शांत बिल्कुल साइलेंट होके गोली चलाया जा रहा था। मेरे टीममेट नॉक हो चुका है लेकिन उसको मैं बचा लेता हूं। हमारे को कहीं से गाड़ी खिसका के अपने टीममेट के पास ले आता हूं कि सर बैठो निकलते हैं यहां से। पर बिल्कुल बिल्कुल निकलना तो पड़ेगा लेकिन थर्ड की तरफ नहीं भाई, आज कदम पीछे रखने पड़ेंगे, थोड़ा यहाँ पे जाना पड़ेगा भाई विस्टा की तरफ। यहाँ से गनशॉट की आवाज़ आई और बिल्कुल सामने से आई थी, मतलब गनशॉट से मैं समझ करी कि हाँ इन झूलों वाले एरिया के आसपास से गई थी। और देखो एक बंदा मेरे को स्पॉट हुआ जो कि पेड़ में है, वो किसी और के लिए टीपी पे ले रहा है लेकिन मैं आया यहाँ पे क्योंकि मुझे नॉक प्लेयर दिख चुका था। अब यहाँ से देखो केनन वगैरह भी चल रही थी, मैं आपको मतलब सुनाना भूल गया उसके लिए माफ करना। फिलहाल यहाँ पे देखो मेरे को मेरे दोनों किल्स मिल जाते हैं और मैं सब क्रेट लूटता भाई। केनन कौन से के पास थी, ये इसी के पास है, उठा दो जल्द से। मैं अब हूँ मैं एक गोली का लेकिन मैं ठहरा बेशरम भाई, मैं एमो लूटने चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को करनी थी स्नाइपिंग। अब टीममेट से बोलता वो भी देखो फैट में बिजी है और उस पर शायद 9 की 7 की कोई गन भी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा मेरे को एक एम वगैरह उसके पास। अब ये बंदा देखो गोली चला था सामने में जो झूला है ना वहां से चला रहा था, मेरे को डर था यार इसको हम डैमेज ना दे दे और ये निकल ना जाए यहाँ से, क्योंकि बंदे यही करते हैं जैसे उनकी हेल्थ कम होगी भैया चल झूला स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं, अच्छा बच्चा था, गंदा बच्चा। जैसे ही मैंने एम करा भाई हेड पे तभी के तभी अपना हेड नीचे कर ले कि नहीं 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 इतनी जल्दी लोबी में नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई नहीं बेटा, अब झूला स्टार्ट नहीं करा तो ये बंदा पक्का लोबी में जाने वाला है क्योंकि मैंने भाई बिल्कुल एम कर रखा है, जैसे इसने शक्ल दिखाई सीधा हेडशॉट लगेगा। अब जाके करी इसने अच्छे बच्चों वाली बात अपना सर दिखा के। चलो ये भी नॉक होता है, 5 किल तो पक्के समझ लो। अब यहाँ पे क्रेट वगैरह लूट के मैं इसकी पेटी लूटने आता हूँ, यहाँ पे पेटी नहीं इसको पूरा फिनिश करना है, अभी तक ये नॉक डी है। अब यहाँ पे बंदे की बात हो रही है भाई, यहाँ की मेरे टीममेट को बंदा स्पॉट होता है, मुझे अभी तक दिखा नहीं था लेकिन मेरे को गनशॉट की आवाज आ चुकी थी। आप लोग 10 सेकंड पीछे जाना और आपको दिख रहा है मिनिमम में दिख जाएगा गनशॉट। फिलहाल देखो बंदा हमारे ठीक सामने की तरफ है, मैंने स्कोपिन करा और वो देखो विस्टा की तरफ निकल चुका है वो बंदा। हो सकता है उसके टीममेट भी हो वहाँ पे लेकिन फिलहाल मेरे को तो रश करना था भाई, मुझे ये बंदा चाहिए। तुम्हें पता है जो बंदे भाग के निकल जाते हैं ना उनको पकड़ने में मेरे को बहुत मजा आता है, चूहे दौड़ जाते हैं भाई बस इसको पकड़ दे। फिलहाल पकड़ तो ये जा चुका है, देखना यहाँ पे था बिल्कुल जहाँ पे मैंने मार्क करा, बिल्कुल वहीं पे था बंदा। लेकिन देखो वहां से इस पार नहीं आया, मतलब वहीं पे छुप रखा या तो और भी ऊपर चढ़ गया, तो मैं यहीं पे आया चेक करने और मेरा टीममेट क्या बोलता है भाई साहब, ग्लिच करने आया थे बंदा, बहुत अच्छे। मजे आ गए, मैं संतुष्टि मिली इस बंदे को मार के क्योंकि ये बंदे भाई हैकर से कम नहीं होते। सोच के देखो ये अंदर चला जाता, हम दोनों की बैंड बजा देता है यहाँ पे, लेकिन सही टाइम इसकी टांग पकड़ के हमने खींच ली। फिलहाल मेरे आधे दर्जन किल्स हो चुके थे, अब मेरे को देखो जोन में जाना था और आप लोग सोच रहे होंगे भाई गाड़ी कहाँ पे चलेगी, तो भाई मैं स्टंटबाजी कर रहा था, वो पानी में चली जाती है गलती से और मेरा टीममेट भी पीछे जा चुका है। वो हाफ ऑफलाइन है, मतलब उसके पास फोन है बिल्कुल ऑनलाइन है, वो नेट बढ़िया चल रहा है लेकिन वो खुद गायब है। तो मैं एक तरह से अभी के लिए सोलो वर्सेस स्क्वाड हो चुका हूँ। अब देखो लेफ्ट में ना एक बोट परेशान करता है किसी को, ध्यान सुनना किसी को। अभी किसी को कौन अभी तक पता नहीं चला है लेकिन बस अब कुछ देर में पता चलने वाला है। बोट वापस इरिटेट करना शुरू करता है,
अब तो वो बंदा और भी ज्यादा इरिटेट हो गया होगा कि भाई जिसने इरिटेट करा उसको नॉक कर दिया मस्त, लेकिन वो भी किल चोरी हो गया। पर कोई बात नहीं, अब ये देखो चाहे तो वेयर हाउस की एंट्री में मुझसे पहले पहुंच सकता है, इस पे से एडवांटेज है और मैं फिर भी रिलोड करे जा रहा हूँ। यू नहीं जल्दी पहुंच जाऊं। और एक बात बताऊं, वो बंदा पहुंच चुका है बिल्कुल यहाँ पे, वेट कर रहा है मेरा। ये रहा, एक सेकंड में बंदे का हेलमेट उतार दिया मैंने यहाँ पे। इसके पास बैरल थी जो कि मैं उठा लेता हूँ। M4 मैं देखो इसलिए चलाता हूँ क्योंकि ना गेम जब स्टार्ट होता है तो मिड में भी बहुत ज़्यादा फाइट लेनी पड़ती है जहाँ पे कभी कभी स्नाइपर्स काम नहीं आती, तो मैंने सोचा बैरल उठा लेता हूँ क्योंकि अब जोन छोटा होने वाला है तो काम आएगी। उठा ली मैंने बैरल। अब मैं देखो अपने टीममेट को बुला लेता हूँ। मेरा टीममेट कंप्लीटली ऑनलाइन आ चुका था, लेकिन यहाँ पे कुछ खतरनाक गोलियाँ चलती हैं। AWM चल रही है, बंदे नॉक भी हो रहे हैं, मतलब सामने की तरफ कहीं दो दो टीम्स हैं और देखो उनमें से एक तो मुझे दिख भी चुका है और एक नहीं भाई दो। देखो उसका एक टीममेट भी था वहाँ पे, उसको भी मैंने देखो मारेगा ट्रैगर पर, बात नहीं बनी। अब देखना जो ही पढ़ने वाली है। मैं बता रहा, मैं सोच रहा था कि मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके। मेरे भाई यहाँ पे मैं अपने टीममेट को चाह कर भी नहीं बचा सकता था। देखो मैंने चाहा तो बहुत ही ज्यादा, तो स्मोक वगैरह करने का ट्राई करा पर भाई ट्राई करने का मौका ही नहीं दिया। नॉक फिनिश तभी की तभी। और ये देखो मेरे को भी क्या सॉलिड डैमेज दे रहे हैं। मैं कुछ करके कवर में आ जाता हूँ और ये देखो मेरी 3 की वेस्ट की इन्होंने फटी हुई बनियान बना दी है। फालतू की है, बस इसकी 6 ड्यूरेबिलिटी बच रखी है। पर कोई नहीं, मैं कवर में आ चुका हूँ, 2 की वेस्ट में यहाँ से उठा लेता हूँ। और मेरे को मिनिमम में फुटस्टेप्स नहीं आते, बस कानों में आते हैं। अब शायद तुम्हें ना आ रहे हो, लेकिन ऊपर पक्का एक बंदा था, मुझे हल्की हल्की साउंड आ रही थी, मैंने सोचा इसी को मार लेता हूँ अकेले अकेले में। पर भाई ये बंदे इसको मार देते हैं और अब मेरे को भी मारने वाले थे। और भाई एक बात बताऊं, बंदे रश कर चुके हैं, मेरे पास कोई फर्स्ट एड नहीं है यहाँ पे। क्या किस्मत थी इस बंदे की। और एक बंदा बिल्कुल ऊपर आ चुका है, रेस्टिंग पीस। अरे इस बंदे की बात कर रहा था यार, मैं खुद की बात नहीं कर रहा था। और मामला कितना गर्म हो चुका है भाई, कहीं कहीं से पड़ रही है, ऊपर सेंट्रल रोड के उन पहाड़ों की तरफ से पड़ रही है। पीछे से इसके 2-3 टीममेट तो आ रहे हैं बदला लेने के लिए। और देखो एक बंदा ऊपर आ ही चुका है, जस्ट आ चुका है, नेड भी फेंके जा रहे हैं। भाई क्या ही किस्मत है, जहां जा रहा हूं वही नेड फेंके जा रहे हैं। किस्मत बढ़िया थी, बच गया जो इस नेड से मैं। फिलहाल देखो ये सारे बंदे उसी तरफ जा रहे थे, सुनो। बहुत अच्छे भाई, लगे रहो, इनको लग रहा है कि मैं वहां पे हूँ जिस बंदे को मार के आया ना, उसके टीममेट यहाँ पे आ चुके हैं, तो अच्छी बात है, थोड़ा कैम मेरे को करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने आपसे बताया ना सेंट्रल रोड में भी एक टीम थी, अब वो टीम यहाँ पे आ चुकी है, इन दोनों की मुठभेड़ हो जाती है। लेट्स गो भाई, इससे बढ़िया मौका मेरे को नहीं मिलेगा। दो दो टीम लड़ रही है, सबका मैं सफाया कर सकता हूँ अकेले। और गाइज ये वाला शॉट अगर इस बंदे के लग जाता ना, तो इस मैच में मैं ना फेविकॉल से भी तगड़ी पकड़ बना लेता, लेकिन अभी भी थोड़ा मतलब वो था कि हाँ भाई कौन जीतेगा कौन नहीं। मैंने बताया था ना यहाँ पे था ये वाला सीन, एक बार के लिए मेरी इतनी कम हेल्थ, मुझे लगा मैं खत्म, कहीं कैसे पड़ रही है, तो भाई मतलब मैं एक गोली का था एक टाइम पे और हर जगह से पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैं बच गया, उसे कहते हैं किस्मत। लेकिन अब वापस पलड़ा भारी हो गया मेरा। अब फिलहाल देखो दो बंदे हैं इस वाले घर में, अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो, वो देखो मिनिमम में 2 फुट सबसे आ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक सोलो प्लेयर निकल के आता है, वो पता नहीं यहीं पे था फिर क्या सीन था, सुनो जरा। ये आया और भाई बस अब देखो क्या होने वाला है। क्यों मैंने यहाँ पे हील नहीं करा यार, मैं कुछ ज्यादा ही हल्के में ले गया, मतलब हल्के में नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका था, हील कर लेना चाहिए था मेरे को। फिलहाल ये मेरी रोज की बात है, जो भी हो इस वाला मैच में देखो मैं आया था आइलैंड पे, यहाँ पे कोई नहीं आता, निकलो भाई, समझ नहीं आता यहाँ पे भी कोई कैसे नहीं आ सकता। फिलहाल बंदे कहाँ आते हैं ये तुम्हें पता चलेगा। ये बंदा शांत नहीं होता भाई, ट्राई करता जाता है। भाई सब कान के पास से भी गोलियां गई हैं, बंदे ने पूरा ट्राई करा है, वो अलग बात है, गोली एक भी नहीं लग पाई। अब ये देखो गनशॉट के पास कहीं सिंह डेल्टा की तरह से आ रही थी, पक्का शॉट था मैं और मुझे पता चल चुका था बिल्कुल ये बिल्कुल यू नो नदी के किनारे पे आके गोलियां वगैरह चला रहा है। तो मैं यहां से गाड़ी निकालता हूं, निकलो चलो सिंह डेल्टा की तरफ। और अब ये बंदा वापस अपनी पोजीशन बताता है, M4 चलिए M4, मतलब हो सकता है वहां पे उसका कोई ओपोनेंट भी हो, तो थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं अपन, लेट्स गो। इसको यहाँ पे फिनिश कर, अब चेक करना था कि भाई M24 किसके पास है, जैसे पिछले मैच में चेक करा था कि कार्नेडिट किसके पास है, यहाँ चलो M24 इसके पास है, उठा ली मैंने M24। मैं देखो गाड़ी लेके आ चुका था यहाँ पे जंकयार्ड में, और इस वाले मैच में ना भाई बंदों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, बंदे खुद ही गोली चला के बता दे रहे कि सर इधर आना।
मेरे बंदे ऊपर, वॉच आउट, मेरा टीममेट भी। अब देखो यहाँ पे गनशॉट की आवाज आई थी, गाड़ी भी मेरे को दिख चुकी है, तो मैं यहीं पे हिलाता हूँ। और मैंने सोचा कि ना क्रॉस एयर से मारा जाए, बंदा काफी पास था। और जरा देखना भाई, जिस तरह से बंदे लोग खेल रहे थे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये आज पबजी खेल रहे हैं, या फिर लगता है इनको आज स्मार्टफोन मिला है कि लो ये देखो इसमें ऐसे टच करके खेलते हैं। मेरे ख्याल से इन बंदों को अगर एस्टल के भी दे देते ना तो भी शायद ही नहीं मार पाते, नहीं शायद मार लेते, क्योंकि अक्सर बंदे लोग जिनसे एसोल्ट राइफल नहीं चलते ना वो एस्टल के मस्त चला लेते हैं। मैं बढ़िया नहीं चलाता, इसका मतलब मैं एसोल्ट राइफल बढ़िया चलाता हूँ। फिलहाल देखो मैं गाड़ी पकड़ता हूँ और अब मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ। देखो सामने मुझे एक यूएस दिखी और अब देखना भाई तुम फैन हो जाओगे। मेरे नहीं M24 के। ये वाला सीन देखने के बाद तो भाई मैं सिर्फ सब्सक्राइब करता, लेकिन मैं अपना खुद का चैनल कैसे सब्सक्राइब कर सकता हूँ? तो तुम्हें मौका मिला यार, अगर ये वाला सीन देख के जरा से भी मजा आया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। डेली वीडियोस देखते हो, फिर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो यार ये वाला सीन देखने के बाद सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब मैं देखो यहाँ से गाड़ी पे करता हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमें कोई घूर रहा होगा।